Hello students, myself Sant Lal Singh and I welcome you all to my educational YouTube channel The English Education Era. दोस्तों एक लंबे अंतराल के पश्चात आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आपके अपने विषय अंग्रेजी साहित्य को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ. दोस्तों कुछ लोगों के कहने पर और आप में से कुछ और लोगों की डिमांड पर मैंने मुल्क राज आनंद पर मोस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में तैयार किया है, जो कि आपकी पीजीटी टीजीटी केवीएस एनबीएस डी ट्रिपल एसबी और एलटी ग्रेड तथा एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे. तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें. आइए अविलंब आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न. मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न ऑन 12th December 1905. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर वन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न. मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन पेशावर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन डिड मुल्क राज आनंद डाई. मुल्क राज आनंद की मृत्यु कब हुई? सो मुल्क राज आनंद डाइड ऑन 28th September 2004. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज द नेम ऑफ आनंद्स फादर. मुल्क राज आनंद के पिता का क्या नाम था? सो द नेम ऑफ मुल्क राज आनंद फादर वाज लालचंद. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर फोर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ आनंद्स फादर. आनंद जी के पिता का प्रोफेशन व्यवसाय क्या था? सो देखिए ऑप्शन नंबर ए अ हेड क्लर्क इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड ऑप्शन नंबर बी अ कॉपर स्मिथ. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ. इट मींस द प्रोफेशन ऑफ मुल्क राज आनंद फादर वाज अ हेड क्लर्क इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. ही वॉज अ हेड क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड ही वॉज ऑल्सो अ कॉपर स्मिथ. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर फाइव. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मदर ऑफ आनंद वॉज. मुल्क राज आनंद की माता जी थी. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसावर कौ. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आनंद डाई. आनंद की मृत्यु कैसे हुई? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑफ न्यूमोनिया. मुल्क राज आनंद की मृत्यु न्यूमोनिया के चलते हुई. ऑप्शन नंबर बी सही है प्रश्न संख्या सात में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, इन विच फैमिली वाज आनंद बॉर्न. आनंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदू छत्री फैमिली. हिंदू छत्री परिवार में मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था. प्रश्न संख्या नौ, व्हेन वाज द कूली रिटन बाय आनंद. मुल्क राज आनंद के द्वारा द कूली कब लिखा गया? सो द कूली बाय मुल्क राज आनंद वाज रिटन इन 1936. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर टेन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बाई आनंद.
निम्नलिखित में से कौन आनंद ने नहीं लिखा है, यानी मुल्क राज आनंद ने। सो ऑप्शन नंबर ए अनटचेबल, अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी द विलेज भी मुल्क राज आनंद ने लिखा है। एंड ऑप्शन नंबर सी द स्वाड एंड द सिकल भी मुल्क राज आनंद ने लिखा है। एंड ऑप्शन नंबर डी द हर्ट इज मैट, ये मुल्क राज आनंद की कृति नहीं है, रचना नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 11। When was आनंद awarded पद्म भूषण, आनंद को, मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ। सो आनंद वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1967, मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण 1967 ईस्वी में मिला। क्वेश्चन नंबर 12, मुल्क राज आनंद डन पीएचडी इन, मुल्क राज आनंद ने पीएचडी की किसमें, मुल्क राज आनंद ने पीएचडी की इंग्लिश लिंग्विस्टिक फिलोसफी और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। सो मुल्क राज आनंद डन हिज पीएचडी इन फिलोसफी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 12। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। बाय हुम इंडियन लिटरेचर वाज एडिटेड, किसके द्वारा इंडियन लिटरेचर संपादित किया गया भारतीय साहित्य। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मुल्क राज आनंद एडिटेड द इंडियन लिटरेचर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इन अनटचेबल हु वाज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स, अनटचेबल में सभी स्वीपर्स का जमादार कौन था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लाखा। इन अनटचेबल लाखा वाज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन डिड आनंद गेट इंटरनेशनल पीस प्राइज, मुल्क राज आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इन 1952। मुल्क राज आनंद गॉट इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 1952, 1952 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मुल्क राज आनंद से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।